नमस्कार, मैं हूं अवनिंद्र आशुतोष। आपका बहुत बहुत स्वागत है लेमन प्राइम टाइम में। लेमन प्राइम टाइम सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे सिर्फ लेमन न्यूज पर। नमस्कार, मैं हूं अवनिंद्र आशुतोष। लेमन प्राइम टाइम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे मुंबई में रहने वाले उत्तर भारतीयों के ऊपर जिस तरह से मनसे के कार्यकर्ताओं ने हमला किया है, उनके साथ मारपीट की है, उनके ठेलों को तोड़ दिया गया है, तो निश्चित रूप से सबसे बड़ा सवाल उठता है कि आज की तारीख पे भी जारी है मनसे की दादागिरी। तो मनसे की दादागिरी को लेकर आज उत्तर भारतीय समाज में नाराजगी है, दुख है। सबसे अहम सवाल यह उठता है कि लोकतंत्र में कोई, अगर हम कहते हैं कि अक्सर कहा जाता है संविधान की तरफ से कि आप रोजी रोटी के लिए कहीं भी जा सकते हैं, अपने पेट के लिए कहीं भी धंधा कर सकते हैं, लेकिन आज जिस तरह से मुंबई के जोगेश्वरी इलाके में उनके ऊपर हमला किया गया और मनसे के कार्यकर्ताओं का नाम सामने आया, ठीक है कहीं ना कहीं से उनका महाराष्ट्र है, लेकिन उत्तर भारतीयों का भी बहुत बड़ा योगदान है, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता। और जाहिर सी बात है, जब जब उत्तर भारतीयों पर हमला हुआ है तब तब यहाँ पर राजनीति हुई है। मुंबई कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं संजय निरुपम ने साफ साफ कहा है कि इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, वहीं मनसे नेता ने भी अपना पक्ष रखा है। दोनों नेताओं को सुनते हैं कि उनका क्या कहना है। मुंबई का विकास या बिहारी यानी वाली होता का है, कुठे पण नवीन काय बनलं, उड्डाण पूल, रेल्वे फाटक, हे आपल्या गावाला नातेवाईक बोलवतात। मग आमच्या अगोदर या लोकांनी चाई खाल्ल्या, मोकळे भूखंड खाल्ले, तबेले बनवले, मग आता आम्ही या लोकांना पुन्हा जागा द्यायच्या काय? एकेका भैयावाल्याचे 10 धंदे हे किती वेळ चालू देणार? महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना हे चालू देणार नाही। आम्ही त्यांना हकलणार, आम्ही इथले भूमिपुत्र आहोत, आमची लोक धंदे लावणार, आम्ही त्या लोकांना मारणार। मैं मुझे भी सुनने को मिला है, सबसे पहले मैं इस घटना की निंदा करता हूं, निषेध करता हूं, और किसी भी व्यक्ति को किसी भी आधार पे कानून अपने हाथ में लेने का हक नहीं। मेरी जानकारी में है कि जो वहाँ के जो पुलिस स्टेशन के लोग हैं, जो ऑफिसर्स हैं, उन्होंने कुछ एक्शन लिया, FIR वगैरह किया है। बिल्कुल FIR होना चाहिए और सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए जो भी हमलावर है। लेकिन बड़ी बात यह है कि शिवसेना और BJP जो महानगर पालिका में सत्ता में है, उसने फेरी वालों के विषय को एक्चुअली बहुत अच्छे ढंग से और इज्जत की जिंदगी और इज्जत से रोजी रोटी वो कमा सके इसकी पूरी व्यवस्था है। लेकिन पिछले 1.25 साल से, बल्कि 1.5 साल से ज्यादा हो गए, कॉर्पोरेशन ने इस दिशा में कोई काम नहीं किया। न तो प्रॉपर टाउन वेंडिंग कमेटी बनी है, न हॉकिंग जोन बने हैं, और न ही हॉकर्स को एक सही ढंग से धंधा करने का मौका मिल सके इस प्रकार की व्यवस्था के लिए। मैं बहुत जल्दी कमिश्नर साहब से मिलके इस बारे में उनको बताने वाला हूं और उसे उनको मार्गदर्शन भी करूंगा। नहीं, ये तो गुंडागर्दी करते रहते हैं, ये इनकी राजनीतिक हताशा है। हाल के दिनों में जो चुनाव में इनको भारी असफलता मिली, उसकी वजह से किसी तरह से अपनी राजनीति चमकाने के लिए इस तरह के हरकत करते रहते हैं। मुंबई में अगर हम विकास की बात करते हैं तो उसमें हर मुंबई का कहीं ना कहीं से योगदान है, क्योंकि हर कोई मुंबई को आगे बढ़ते देखना चाहता है, महाराष्ट्र को गतिमान देखना चाहता है। लेकिन अगर हम मुंबई की बात करें तो लगातार समय समय पर जो गरीब और बहुत दूर दराज से इलाके में यहाँ पर आए हैं मुंबई में रोजी रोटी के लिए, उनके ऊपर कभी शिवसेना की तरफ से या फिर कभी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की तरफ से जिस तरह से हमला किया जाता है, ये सही बात है कि यहाँ के जो लोकल लोग हैं, जो भूमिपुत्र हैं, उनके साथ नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए। लेकिन संविधान का क्या, कानून का क्या, क्या आप कानून को अपने हाथ में ले लेंगे?
उत्तर भारतीयों ने भी क्या कोई गलती की है कि मुंबई के विकास में उनका योगदान नहीं है? और जाहिर सी बात है, जब जब इस तरह का हमला होगा तब तब इस पर चर्चा होगी और मनसे वालों को या फिर शिवसेना वालों को या जो भी इस तरह का हथकंडा करते हैं, जो भी गरीब लोगों को अपना शिकार बनाते हैं, उनको तो जवाब देना ही पड़ेगा। और आज हमारे साथ इस चर्चा में हमारे खास मेहमान शामिल होंगे, आज हम उनसे आपको मिलवा देते हैं। कांग्रेस के नेता और उत्तर भारतीय सभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं जयप्रकाश जी। जयप्रकाश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ है वरिष्ठ पत्रकार राजकुमार तिवारी जो मुंबई ग्लोबल के संपादक हैं। और तिवारी जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और आम आदमी पार्टी के नेता मयंक जैन हमसे जुड़ रहे हैं। मयंक जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो जिस तरह से जयप्रकाश जी, हमने देखा कि उत्तर भारतीयों के ऊपर हमला हुआ, उनके साथ मारपीट की गई, उसके बाद जिस तरह से मनसे के जो नेता हैं नवनाथ कदम, वो साफ कह रहे हैं कि मैं उनको 10-10 डंडे मारूंगा और उत्तर भारतीयों को भगा दूंगा, क्योंकि ये हम भूमिपुत्र हैं और हमारा धंधा लगेगा। सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी? देखिए, संविधान के अनुसार भारत के हर नागरिक का हक बनता है कि कहीं भी जाके रह सकता है, कहीं भी अपना जाके व्यवसाय कर सकता है। वो पूरे भारत का नागरिक है, भारत में कोई उत्तर प्रदेश से आया हुआ यहाँ परदेशी नहीं है। ये बहुत दुख की बात है कि यहाँ पर आ करके अपने ही देश में लोग परदेशी बन के रहते हैं जी। अब वो ज़माना नहीं रह गया कि कोई इस तरह से मार के भगा देगा। ऐसे मार के भगाने वाले कुछ सत्ता में आए थे, खुद चले गए, और फिर से अगर बददुआ लेंगे गरीबों का तो फिर जो पार्टी बची खुची है वो भी नहीं रह पाएगी। इसलिए गरीबों का बददुआ ना लें। गरीब में मराठी भी हैं, उत्तर भारतीय भी हैं, बिहारी भी हैं, सब हैं। हमारे नेता माननीय संजय अनुपम जी ने बोला है, जो उत्तर भारतीय सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, मुंबई कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उन्होंने बोला है कि सख्त सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जो भी कानून का उल्लंघन करता है, चाहे वो कोई भी भारतीय हो, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए और सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। किसी गरीब के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए, चाहे वो कहीं का भी भारत का नागरिक हो। क्योंकि देखिए, वो मुंबई के विकास में भी अपनी भूमिका निभा रहा है, टैक्स भी पे करता है, और जिस तरह से हफ्ताखोरी चलती है आपको पता ही है, पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा अगर परेशान किया जाता है फेरी वालों को तो वो मुंबई शहर सबसे पहले जहन में आता है। तिवारी जी, आपको नहीं लगता कि इस पर जब पॉलिटिक्स होती है तो उसका शिकार कहीं ना कहीं से गरीब आदमी बनता है, और मुंबई के जो लोग भाजी खरीदने जाते हैं उनको भी कहीं ना कहीं से उसका दुष्परिणाम भुगतना पड़ता है? ये तो बिल्कुल सच्चाई है इसमें कि गरीब को ही हमेशा परेशानी झेलना पड़ता है, और इस टाइप से जो भी अभी घटना हुई है, शर्मनाक घटना, ये बहुत निंदनीय है, और इस पे सरकार को कड़ी से कड़ी कदम उठाना चाहिए और जांच करवानी चाहिए कि इसमें दोषी है कौन, और जो भी दोषी हो उनको उनका सजा जो है वो मिलना ही चाहिए एकदम। और ऐसा ध्यान रहे कि आगे से ऐसा कभी भी गरीब के साथ ना हो अन्याय, क्योंकि अभी गवर्नमेंट ने पूरा लाइसेंस वगैरह भी दिया है इनको दुकान उकान लगाने का पूरा, तो इसको देखते हुए भी कम से कम उनको इतना तो सोचना चाहिए कि भाई कोई भी कहीं भी कमा खा सकता है, ये तो हमारे संविधान का वो है। और वो कुल मिलाकर मुंबई की सेवा ही कर रहे हैं, मुंबई की सेवा कर रहे हैं, मुंबई की सेवा में काफ़ी उनका योगदान रहा है। बीच में ऐसा घटना होने के बावजूद कितने व्यापारी परेशान हो गए थे अपने काम को लेके, जो पलायन हो रहा था उस समय, तो इन्हें इन सब चीज़ पे सरकार को ध्यान देना चाहिए कि आइंदा ऐसा घटना ना हो और इस घटना पे लगाम लग सके, और जो भी दोषी हो उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई किया जाए उनके ऊपर। मैं जैन साहब, आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो नफरत की राजनीति चल रही है, भूमि पुत्रों की तरफ से जिस तरह से हमला किया जाता है बार बार, और एहसास दिलाने की कोशिश की जाती है कि हमारा हक छीनने की कोशिश कर रहे हैं उत्तर भारतीय, आप कैसे देखते हैं इस घटना को? नहीं, भूमि पुत्र का मतलब क्या है? मतलब भूमि पुत्र वो नहीं है जो यूपी से आया हुआ है, भूमि पुत्र वो नहीं है जो बिहार से आया हुआ है। यानी आपने महाराष्ट्र में ठेका ले रखा है यहाँ पे आने का और उनको मारने का। मुझे एक बात बताइए, एमएनएस और बीजेपी ने टाई अप किया था लोकसभा इलेक्शन में, अब देखना बहुत दिलचस्प होगा कि बीजेपी की गवर्नमेंट क्या कार्रवाई लेती है। मैं तो ये भी देखना चाहता हूँ कि किस सेक्शन में उनको अंदर किया जाता है, क्या होगा। सर, मैं बताता हूँ आपको, लाइट सेक्शन लगाए जाएंगे, कोर्ट में आर्ग्यू होगा, उनको बेल मिल जाएगी। सबक कब मिलता है? और एक कांग्रेस वाले जो हमारे जयप्रकाश जी कह रहे थे ना, इनके टाइम पे भी एमएनएस वाले बहुत पनपे थे, इन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया था, इन्होंने भी गोदी में पाला हुआ था एमएनएस वालों को। आज ये बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं क्योंकि आज ये ऑपोजिशन में आ गए हैं, तब अगर ये स्ट्रिक्ट एक्शन लेते एक डेटरेंट हो जाता कि भाई ऐसा कुछ भी उपद्रव आप करेंगे तो आप पे सख्त सजा दी जाएगी। तो आज कम से कम हमारे पास देखने के लिए कुछ होता। आज ये बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, संजय निरुपम का नाम ले रहे हैं क्योंकि आज ये ऑपोजिशन में बैठे हैं, इनके पास आइडियाज बहुत सारे हैं। इन्होंने क्या किया था एमएनएस को रोकने के लिए? बिल्कुल, तब तो खुलेआम गुंडागर्दी होती थी,
यहाँ तक कि इतने पीटा गया उनको एग्जाम्स के लिए जब वो आए, रेलवे एग्जाम्स के लिए मुझे याद है, इतना बुरी तरह उपद्रव किया गया। और जब इनसे पूछा गया, ये इसलिए हम बार बार कहते हैं ये सब एक हैं, ये सब मिले हुए हैं, और यकीन मानिए आज ऑपरेशन में रह के बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। ये देखना दिलचस्प होगा कि बीजेपी वाले क्या और किस तरह एक्शन लेते हैं इनके ऊपर। बिल्कुल, और जाहिर सी बात है जब भी कांग्रेस के बारे में चर्चा होती है तो इल्जाम जरूर लगता है। जयप्रकाश जी, आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि जिस तरह से आम आदमी पार्टी के नेता मयंक जैन जी आपके ऊपर आरोप लगा रहे हैं, आपको क्या लगता है कि वाकई आप पिछड़ गए हैं या फेल हो गए हैं, क्या ऐसा सवाल क्यों? मिस्टर मयंक जैन जी को जानकारी नहीं है कि जब उस समय इस तरह का अत्याचार मनसे ने किया था तो कांग्रेस पार्टी ने सरकार के द्वारा भी और हमारे नेता माननीय संजय अनुपम जी माननीय राज ठाकरे के घर के सामने मोर्चा लेके गए थे, उसमें अरेस्ट भी हुए थे और जम करके पूरी उत्तर भारतीय समाज उनके सामने गई थी कि लड़ना है तो हमसे लड़ो, किसी गरीब से मत लड़ो। और जहां जहां आगजनी हुआ था, नासिक वगैरह सब जगह माननीय संजय अनुपम जी और हम सब लोग साथ में गए थे, जहां उद्योग बंद हो गए थे वहां उन लोगों को रोका गया, फिर से उद्योग चलाया गया, जो कमिश्नर अधिकारी ठीक से कार्रवाई नहीं किए थे उनको तत्काल सस्पेंड कराने का काम हमारे माननीय संजय अनुपम जी उस समय किए थे। लेकिन ऐसा माहौल सख्त कार्रवाई किया था उस समय। एक बात सुनिए, केस बनी थी उनके ऊपर कि डेली प्रतिदिन राज ठाकरे जी कभी इस कोर्ट में कभी उस कोर्ट में हाजिर हो रहे थे। अब वो भी कोर्ट का अभी चल ही रहा होगा सब केस, वो तो देखिए खत्म नहीं हुआ है। अपनी कार्रवाई भड़काऊ भाषण पे केस बना था, इसके लिए केस नहीं बना था वो। उत्तर भारतीय समाज को और फेरी वालों को गुमराह मत कीजिए। सम्मान दिलाने के लिए माननीय संजय अनुपम जी क्या सम्मान दिलाने के लिए अपने सरकार के सामने भीख मांग रहे थे और अपनी संस्था को मजबूत करके सरकार के सामने भीख मांग रहे थे। सरकार क्या कर रही थी कांग्रेस की उस वक्त? यानी अपनी सरकार के सामने आप गिड़गिड़ाते हो कि एक्शन लो, आपके मुख्यमंत्री क्या कर रहे थे उस वक्त? ये किस तरह का नाटक है? उनको अरेस्ट भी हुए थे। संजय अनुपम जी नाटक करते हैं, आपकी सरकार क्या कर रही थी? नहीं नहीं मयंक जी, आपको जानकारी नहीं, वो अरेस्ट हुए थे, जामीन पर छूटे, संविधान का जो केस नियम है संविधान के अनुसार भड़काऊ भाषण के ऊपर चल रहे हैं, कोर्ट में हाजिर हुए, केस में हाजिर हुए, जामीन कराए, जो संविधान भड़काऊ भाषण के ऊपर और सरकार संविधान के नियमानुसार की और इतनी सख्ती की अब उस तरह से वो खुली आवाज में नहीं बोल सके। वो दुबरी ये सरकार बदल गई है तब वो खुली आवाज से उनके लोग बोल रहे हैं, तो उस समय बिल्कुल बंद हो गई थी उनकी आवाज। आज सरकार बदलने के कारण ये आवाज इसलिए हुई थी क्योंकि आपने पहले एक्शन नहीं लिया था, तब भी पोलिंग बूथ पे गुंडागर्दी की। मानता हूं आपकी बात, गुंडागर्दी किए थे वो, तो लेकिन कानूनी कार्रवाई इतनी सख्त किया गया उनको गोद में पाला आपने, खत्म हो गया था। आज सरकार बदलने के कारण फिर से उनकी ताकत उभरी है, जो बीजेपी को सोचना चाहिए कि हम जनता से वोट लिए हैं और मनसे का समर्थन लेकर के जीते हैं, जिस गंदी राजनीति के कारण जो अत्याचार हो रहा है उस पर सबको काट रही है सरकार। की गलती भी है, 15 साल में आपने सिस्टम ठीक नहीं किया। अगर 15 साल में आप सिस्टम ठीक करते हैं तो उनकी हिम्मत नहीं होती है करने की। क्या जयप्रकाश जी आपको लगता है कि आप सिस्टम को मेंटेन नहीं कर पाए? नहीं नहीं, संविधान के जो दायरे में आता है उस तरह से हर तरह का केस किया गया, उससे माननीय राज ठाकरे जी अरेस्ट हुए थे, जामीन कराए और संविधान के अनुसार चल रहा है। लेकिन वो इतना बड़ा है, आप उस मामले में तो फ्लॉप हो गए, फेल हो गए, क्योंकि हर उत्तर भारतीय फेरी वालों को लगता है कि उनके साथ कोई नहीं है। क्या आपने कभी एहसास कराया कि आप उनके साथ हैं? अरे बस उत्तर भारतीय संघ के लीडर और राज ठाकरे जी के घर पे जाकर के मोर्चा निकाले थे, उससे क्या फर्क पड़ा? तो हमसे लड़िए, इस गरीबों के साथ मत लड़िए। मोर्चा एक बम था, हजारों की तादाद में उत्तर भारतीय समाज वहां तक गया था। अगर स्ट्रिक्ट अरेस्ट भी होना पड़ा तो हिम्मत नहीं होती करने की, वो सबको याद है। और उस समय के बाद टोटल ये बंद हो गया सर, और आज भी हम दावे साथ कहते हैं कि उसमें माननीय संजय अनुपम जी ने कहा था कि यहाँ भारत का संविधान है या महाराष्ट्र का संविधान है कि प्रॉपर्टी कार्ड में जिसका नाम होता है वो जमीन का मालिक होता है। अगर माननीय राज ठाकरे जी या मनसे के लोग यहाँ के मालिक हैं, अपना प्रॉपर्टी कार्ड में नाम दिखावे, तो माननीय संजय अनुपम जी को बोले थे कि हम लोग हट जाएंगे यहाँ से, लेकिन आपका प्रॉपर्टी कार्ड में यहाँ जमीन पर आपका अधिकार है, ये जमीन आपका है ऐसा दिखाइए। ये जमीन तो यहाँ रहने वाले पहले मछुआरों का था, ये सब लोग जो महाराष्ट्र के लोग हैं वो भी यहाँ आए हैं रोजी रोजगार के लिए, बिहार और उत्तर प्रदेश के लोग भी यहाँ रोजी रोजगार के लिए आए हैं, मिलजुल के काम करना चाहिए, महाराष्ट्र का विकास करना चाहिए, इस पर ध्यान देना चाहिए। ये अशांति फैलाने से यह शिवसेना बीजेपी की जो सरकार है वो हिंदू मुस्लिम की उनके अंदर का और धर्म प्रांत और जात के नाम पर ही तो ये सरकार चल रही है। लेकिन जो मुंबई के विकास में अपना योगदान दे रहे हैं, चाहे वो अखबार वाले हों, दूध वाले हों, फेरी वाले हों, भाजी वाले हों, उनको उनका जो मनोबल है वो क्यों टूट गया है? आखिर उनको क्यों यकीन नहीं होता कि उनके साथ नेता है, खासकर उत्तर भारतीय नेता? नहीं नहीं, टूट
टूट पहले टूट गया था जो उस तरह से घटना हुआ, लेकिन माननीय संजय अनुपम जी, अबू वसीम आजमी जी, नसीम खान जी, कृपा शंकर सिंह जी, ये सब लोग और माननीय संजय अनुपम जी तो उनके घर तक मोर्चा लेके गए थे, ये उत्तर भारतीय समाज के सब लोगों को मालूम है। ठीक है, मोर्चा लेके गए थे, लेकिन उसका निष्कर्ष क्या निकला? निष्कर्ष निकला उसके बाद उनकी आवाज रुक गई। निष्कर्ष मैं बताता हूँ, रुक गई आवाज ये बीच में, अभी अभी सरकार बदलने कारण उनकी नई आवाज उनके पार्टी के लोगों की आ रही है, नहीं तो टोटल बंद हो गया था। और जितनी कानूनी कार्रवाई हुई उन पर, वो आज तक आपको देखने को मिला, वो जामीन पर चल रहे हैं, केस खत्म नहीं हुआ है। ये संविधान के दायरे के अनुसार यह एक झगड़ा मारामारी, इतना बड़ा केस नहीं होता कि हमेशा कोई जेल में ही रहे, उस हिसाब से, उस कानून के हिसाब से उनकी कार्रवाई चल रही है। मैंग जी, क्या कोई ऐसा आइडिया है आपके पास जिसको कांग्रेस वाले या बीजेपी वाले लेने का काम करें आपसे? नहीं, इसमें आइडिया सर ये है, पहली बात ये तो समझना पड़ेगा, ये देश हम सबका है। आज अगर हमारे महाराष्ट्रीयन भाई भी वहां जाते हैं तो वहां बहुत इज्जत से रोटी कमाते हैं अपनी। ऐसा नहीं है कि वहीं से सिर्फ लोग आ रहे हैं, यहां से भी लोग जा रहे हैं और वो अपना रोजी रोटी कमा रहे हैं, जो भी है। तो सबसे पहले एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी हम सबके अंदर आनी चाहिए कि हम सब इस देश के मालिक हैं। और दूसरी बात, इन इन जो अपना फेरी वाले हैं, हमारे भाई हैं, उनको जो बीएमसी का काम चल रहा है अंडर रजिस्ट्रेशन, और इसमें हमारे यहाँ विधानसभा में बैठ के क्लॉजेस बनाने पड़ेंगे स्ट्रीट की, अगर किसी लीगल लाइसेंस वाले हॉकर को कोई मारता है या तंग करता है तो उस पर नॉन बेलेबल वारंट इशू होना चाहिए तुरंत। इससे हमारे फेरी वालों को हिम्मत मिलेगी कि देखिए हमारे साथ कानून खड़ा है, हमारे साथ सरकार खड़ी है। कल क्या होगा, ये कोर्ट में पेश होंगे अगर इन पे अरेस्ट होते हैं, उसके बाद इनको तुरंत छोड़ दिया जाएगा। इसमें रिसीविंग एंड पे कौन रहा? हमारा हॉकर भाई। तो अगर इनका रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस पूरा हो गया है, जो अभी पूरा नहीं हुआ जहां तक मैं जानता हूं, वो अभी प्रोसेस में है, तो इनको इतना स्ट्रॉन्ग बनाया जाए और इनको लीगली आई कार्ड मिले, इनको यह बताया जाए कि भाई आप लीगल हैं यहां बैठने के लिए। उसके बाद अगर उनको कोई तंग करता है तो ये विधानसभा में अमेंडमेंट होना चाहिए कि उसके बाद अगर आपको कोई मारे या हाथ लगाए तो उस आदमी के खिलाफ सख्त से सख्त सजा नॉन बेलेबल ऑफेंस के अंदर दर्ज होनी चाहिए, ताकि आगे कोई भी ये करने से पहले 10 बार सोचे। चर्चा की आम आदमी पार्टी भी लगातार कोशिश कर रही है कि आने वाले जो बीएमसी चुनाव होंगे उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेगी। क्या आप आम उत्तर भारतीयों को, खासकर फेरी वालों को कुछ सहायता देने की कोशिश करेंगे या फिर कुछ जागरूकता लाने की कोशिश करेंगे? नहीं, मैंने तो आपको यही कहा ना, देखिए इसमें दो इश्यूज हैं। एक तो होता है कि भाई हॉकर एक जगह को भर दें जहां लोगों के चलने की जगह ना बचे, तो हम उसके भी खिलाफ हैं। आप हॉकर्स रखिए, सिस्टमैटिक करिए, उनको लाइसेंस मिलेंगे, उनको आई कार्ड मिलेंगे, बाकायदा रूल बिल्कुल प्रोसेस में होगा। दूसरी चीज, एक बार आपको आई कार्ड मिल जाए तो कोई हिम्मत ना करे आपको हाथ लगाने की, क्योंकि आप ऑथराइज होंगे वहां बैठने की। तो हमारा मेन मोटिव आम आदमी पार्टी का यही रहेगा कि उन हॉकर्स को प्रोटेक्शन लगे, क्योंकि वो एक पैरेलल इकोनॉमी है। बट हॉकर्स को भी समझना पड़ेगा कि भैया हम ऑथराइज हैं, हम बैठेंगे और हम उसका सपोर्ट करते हैं कि आपको कमाना है, आप अपने बीवी बच्चों को छोड़ के यहां आ रहे हैं, आपको भी हक है इस देश में कमाने का, वो हक कोई नहीं छीन सकता आपसे। बट अगर कोई गुंडागर्दी करे, कोई आपसे दो बात ऊंची करे, आपको हक है पुलिस स्टेशन में जाके एफआईआर कराने का और नॉन बेलेबल ऑफेंस में वो दर्ज होना चाहिए। बिल्कुल तिवारी जी, आपसे जानना चाहेंगे कि जब इस तरह की घटनाएं होती हैं तो क्या आपको लगता है कि वाकई जो मेन मुद्दा होता है वो कहीं पिछड़ जाता है और उस पर सबसे जो ज्यादा चर्चा होती है वो सिर्फ राजनीतिक चर्चा होती है और आम आदमी को लगता है कि उसके साथ कहीं ना कहीं से सरकार जो है भेदभाव का रवैया अपना रही है, क्या लगता है आपको? बिल्कुल, सरकार कोई भी हो लेकिन गरीबों के साथ कोई भी खड़ा नहीं होता है, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे आम आदमी पार्टी का हो, चाहे बीजेपी का। गलत गलत गलत, कोई गरीबों के लिए कोई नहीं बना हुआ है। गरीब अपना संघर्ष खुद करता है और खुद वो रोजी रोटी कमाता है और खुद अपना परवरिश करता है। तो इसके लिए ये जो भी है, इसके लिए ठोस, महंगी जी ने अभी बोला कि ठोस कानून, नॉन अवेलेबल कानून होना चाहिए। तो ये अगर कोई सरकार बनाती है तो सबसे अच्छा रहेगा उनके लिए, गरीबों के लिए, और वो कहीं भी कमा सकेंगे, अपना कहीं भी कमा खा सकता है, संविधान ने अधिकार दिया है। जयप्रकाश जी, आपसे जानना चाहेंगे कि अभी जिस तरह से लगातार माहौल बन रहा है उत्तर भारतीयों के खिलाफ, उसको कैसे रोकना चाहिए? अगर मुंबई पर तो आपको बता दूं कि जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी तो फेरी वालों के लिए मसला जो है माननीय संजय अनुपम जी लोकसभा में उठाए थे और बीजेपी वगैरह ने भी समर्थन दिया था कि फेरी वालों के लिए सर्वे होना चाहिए और उनको लाइसेंस मिलना चाहिए, रजिस्ट्रेशन कार्ड मिलना चाहिए, और वह तब तक सरकार चली गई लेकिन सर्वे काम चालू है बीएमसी द्वारा। सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश है कि इनको हॉकिंग जोन बना करके इनको बैठाना चाहिए ताकि इनको रोज रोज हटाने का और म्यूनसिपालिटी पुलिस को तकलीफ देने का कार्रवाई न हो। लेकिन महानगर पालिका में दुर्भाग्य से 22 साल से बीजेपी शिवसेना की सरकार चल रही है,
न पीने के पानी की व्यवस्था कर पा रही है, न फेरी वालों के लिए ठीक से व्यवस्था कर पा रही है, न झोपड़े वाले को ठीक से व्यवस्था कर रही है। केवल फेरी वालों को उजाड़ना, झोपड़े वाले को उजाड़ना, ये बीजेपी शिवसेना का काम रह गया है। और आज सर्वे हो गया है, कुछ सर्वे बाकी है, वो जल्द से जल्द कार्रवाई पूरी होनी चाहिए। जो कांग्रेस पार्टी ने गरीबों को, फेरी वालों को लाइसेंस देने का काम शुरुआत किया था, उसको ये सरकार जल्दी से जल्दी पूरा करना चाहिए। और रह गई कि मैंग जी का मैं स्वागत करता हूं कि वो बोले विधानसभा में रजिस्ट्रेशन हो जाए और किसी को तकलीफ ना हो, तो गरीबों के हित में हर सरकार काम करती है, लेकिन इस तरह का न्याय जो कोई करता है तो उस पर रोकना सरकार का काम है। और सख्त सख्त अब देखना है कि बीजेपी और शिवसेना क्या कार्रवाई करती है, जो इस गुंडागर्दी जो मनसे के कार्यकर्ता लोगों ने किया है, तो बीजेपी शिवसेना की सरकार इस पर क्या कार्रवाई करती है ये देखना जरूरी है। FIR हो चुका है। विपक्ष में होने के नाते आपकी क्या भूमिका होगी, आप कैसे सबक सिखाएंगे? हमारे माननीय संजय रूपम जी ने बोला है कि कार्रवाई सख्त होना चाहिए, पुलिस स्टेशन में भी फोन किया है, FIR दर्ज हो गया है, उस पर नजर रखे हुए हैं कि इस पर क्या कार्रवाई हो रहा है, और इसके बाद इस तरह की घटना दोबारा नहीं होना चाहिए, नहीं तो उसी तरह से उत्तर भारतीयों को सम्मान दिलाने के लिए सभी उत्तर भारतीय समाज एक साथ रहेगा, और माननीय संजय रूपम जी उसका पूरे समाज को सम्मान दिलाने का काम जिस तरह पहले किए थे अभी भी करेंगे, और इस तरह का आवाज दोबारा कोई उठाएगा तो उसका सही जवाब देंगे, सही जवाब देंगे। मयंक जी, आपको लगता है कि वाकई ये जो तस्वीरें उभरती हैं बीच बीच में, उनको सही जवाब दिया जा सकेगा? नहीं, देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ, आज ये बोल रहे हैं कि हमने फेरी वालों को रजिस्ट्रेशन का काम शुरू किया, कब किया था? आप 15 साल सरकार में थे, आप जब जा रहे थे तब आपने शुरू किया, ठीक है, ताकि अगली बार आपकी सीट सिक्योर हो जाए, वो अलग बात है, वो भी नहीं हुई, ठीक है। तो ये प्रोसेस आज बीजेपी शिवसेना को इस बात की गारंटी देनी चाहिए कि अभी तो आए हैं, एक साल के अंदर ये प्रोसेस कंप्लीट हो, उनको रजिस्टर करके ऑथराइज किया जाए, ताकि जो अन्याय बार बार ये हो रहा है ये ना हो, हमें भी पता चले ऑथराइज कौन से हॉकर हैं, हम उसकी इज्जत करेंगे पूरी सर्वे की, हम उसके अगेंस्ट कतई नहीं है, ठीक है। उसके बाद आज अगर ये घटना दोबारा होती है, ये क्यों होती है, जरा इसके थोड़ा बीच में आप बुनियाद पे जाते हैं थोड़ी से, ये इसलिए होती है क्योंकि पहले की हमारे सरकारें इन पे स्ट्रिक्ट एक्शन लेने में बिल्कुल मजबूर थी, पॉलिटिकल मजबूरी थी, ये क्या थी वो आपको ये बता सकते हैं। अगर ये तब डिटरेंट हो जाता कि वो देखिए कोई भी अगर ये करता है, वायलेंस कहीं भी टॉलरेट नहीं हो सकता, वायलेंस की जगह इस देश में गांधी देश में नहीं है, तो अगर ये फिर से होता है उनको अंदर रखा जाए, ऐसे ऑफेंसेस में उनको बुक किया जाए ताकि वो कम से कम 6 महीने तो जेल से ना निकले, बिल्कुल, तब उनको पता चलेगा कि भाई किसी इनोसेंट पे हाथ उठाना जो अपने बीवी बच्चे परिवार को छोड़ के आ रहा है, कितना दर्द होता है उसको अपना घर छोड़ने में आने में, बिल्कुल, तो उनको पता होना चाहिए कि वो कितने बड़ी जुर्म है और उसको उसकी सख्त सजा मिलनी चाहिए। और आपको भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है क्योंकि आपने छुट्टी लेकर दिल्ली में काम किया था चुनाव के समय। नहीं, और दूसरी बात दिल्ली की मैं आपको बात बताता हूँ, अरविंद जी ने क्लियर कहा है ये कोई हॉकर वहां से नहीं उठेगा, सबको हक है कमाने का, आप अच्छी तरह काम किए, शराफत से काम कीजिए, सरकार आपकी हेल्प करेगी। और एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूं, दिल्ली पुलिस हमारे अंडर नहीं है, वहां पे जो फिरौती मांगने लोग आते हैं तो जूस वाले उनको धमकी देते हैं कि अगर आप नहीं गए तो हम MLA को बुला के आपकी कंप्लेन कर देंगे, वो बंदा वहां से निकल जाता है। ये साथ होना चाहिए फेरी वालों को, लोगों का, सरकार का, और क्यों ना हो, बेचारे अपने घर छोड़ के आ रहे हो यहाँ पे। अगर मुंबई में चुनाव, BMC चुनाव में आप शामिल होते हैं और आपको अच्छी खासी सीट मिलती है, आप मजबूत स्थिति में होते हैं, तो क्या फेरी वालों के लिए आप मजबूत कदम उठाएंगे? क्यों नहीं उठाएंगे, वो हमारे भाई हैं, हम उनको ऑथराइज करेंगे, पर इसमें दो चीजें हैं, इसमें ऐसा भी नहीं है कि क्लस्टर खड़ा कर दें हॉकर्स का जी, उसमें एक सिस्टम होना चाहिए जहां लोगों को भी डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, उनके लिए पैदल चलने की जगह बचनी चाहिए, हॉकर्स के लिए बोलते हैं ना वेल डिफाइंड हॉकर जोन्स होने चाहिए, जैसे कि बैंकॉक में है, जैसे कि हर जगह है, हम भी कर सकते हैं यहाँ पर विल नहीं है करने की, बिल्कुल, तो यहाँ पे भी हम करेंगे ताकि चलने वाले को भी परेशानी ना हो, गाड़ी वाले को परेशानी ना हो, साथ ही हॉकर भी अपनी रोजी रोटी कमा सके, बिल्कुल, सबको बैलेंस में लाना बहुत जरूरी है, बिल्कुल। तो कुल मिला के हमें प्रैक्टिकली सोचना पड़ेगा। तिवारी जी, आपको नहीं लगता कि मयंक जी जिस तरह से कह रहे हैं अगर उस पर कार्रवाई हो तो मुंबई की तस्वीर बदल सकती है? बिल्कुल बिल्कुल बदल सकती है और बदलना भी चाहिए, लेकिन ये लोग चाहते नहीं है ना, जो राजनीति करने वाले वो अपने सिर्फ वोट की राजनीति करते हैं, और वोट की राजनीति में बहुत प्रॉब्लम हो जाता है इनको, बिल्कुल, कि सच्चाई से कोसों दूर रहते हैं इन्होंने, कि आज कोई भी सरकार हो, किसी की भी सरकार हो, लेकिन कोई नहीं चाहता है कि हम एक सही ढंग से इनको लाइनअप करके चले और इनको एक मतलब सही जगह दे, वोट मांगने चले जाते हैं, सिर्फ वोट राजनीति की कर रहे हैं बस। जयप्रकाश जी, आप ऐसा करते हैं?
नहीं नहीं, अगर ऐसी बात रहती तो देखिए, झोपड़ा 2000 तक का पात्र करने के लिए कांग्रेस पार्टी ने किया कि भाई झोपड़े में रहने वाले उनको अच्छा घर मिले, अच्छा मकान मिले। फेरी वालों को लोकसभा में माननीय संजय रूपम जी ने सवाल रखा और पास कराया गया कि उनको सर्वे किया जाए और लाइसेंस दिया जाए। तो ये सब कार्यक्रम 2 रुपये किलो गेहूं, 3 रुपये किलो चावल और 1 रुपये किलो मकई, इस तरह का अनाज जो है वितरण किया जाए, कांग्रेस पार्टी ने किया है। कि हर गरीब आदमी को लंबा 1.5 लाख तक का हर आदमी को दवा करने का सुविधा जो है कांग्रेस पार्टी ने करके दिया है। कम रह गया है, इस तरह का रोटी कपड़ा और मकान, हर तरह काम जो है गरीबों के लिए कांग्रेस पार्टी ने किया है। अगला कदम क्या होगा आपका? ठीक है, कानून अपना काम करेगा, लेकिन आप राजनीतिक दल से भी जुड़े हुए हैं, उत्तर भारतीय सभा से भी जुड़े हुए हैं, आपका अगला कदम क्या होगा ताकि उनको लगे कि हाँ आप उनके साथ हैं? हम लोग उस पर पूरा ध्यान रखे हुए हैं कि इस तरह की कार्रवाई जो हो गया उस पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए, नहीं तो हम आंदोलन करेंगे, रोड पर उतरेंगे, हर अन्याय के खिलाफ हम साथ में रहेंगे, माननीय संजय रूपम जी साथ में रहेंगे, रोड पर आंदोलन करेंगे, उस तरह का जवाब देंगे जिस तरह का वो चल रहे हैं, उसी तरह का जवाब देंगे। चलिए, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया माइन जी। एक लाइन में आपकी प्रतिक्रिया। हम ना तो उनको, ये देखिए ये कह रहे हैं उनको उनका जवाब देंगे, यानी ये भी वायलेंस का रास्ता अपनाएंगे। हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे, हम हॉकर्स को एजुकेट करेंगे। हम चाहेंगे बीएमसी सबसे पहले अपना सर्वे जल्दी कंप्लीट करे, जो अधर की तलवार लटकी हुई हॉकर्स के ऊपर वो जल्दी खत्म की जाए, सर्वे उनका कंप्लीट करना जाए ताकि लोगों को क्लियर हो कौन ऑथराइज है कौन अनऑथराइज है। ये सबसे बड़ा वक्त का तकाजा है। दूसरी चीज जो हुआ है उस पर आम आदमी पार्टी की नजर है और बहुत जल्दी प्रेस नोट भी आपको भेज दिया जाएगा, देखिएगा हम क्या एक्शन लेने वाले हैं। हम बोलते नहीं, हम करके दिखाते हैं। बिल्कुल, अभी शुभकामनाएं देंगे। तिवारी जी, एक लाइन में आपसे प्रतिक्रिया जाएंगे, क्या होना चाहिए ताकि जो माहौल है भी उसके अंदर का जो तनाव है वो खत्म हो जाए? सबको मिलकर इनके लिए बारे में सोचना चाहिए कि ये कैसे जी सकेंगे। बिल्कुल, और एक सही रास्ता इनके लिए निकले तो ये सभी के काम आएंगे। बिल्कुल, और मुंबई के विकास में भी काम आ रहे हैं, हर चीज में काम आ रहे हैं। तो इसके लिए इनको सबको मिलजुल के और राजनीतिक से अलग हटके इनके बारे में थोड़ा सोचना। बिल्कुल, ये सबसे अहम है कि राजनीतिक करते हैं तो ये गरीब मारे जा रहे हैं। बिल्कुल, और कुछ नहीं है तो मुंबई पार्टी कुछ भी नहीं है, सिर्फ वोट के समय अपना पहुंच जाती है और पहुंचने के बाद फिर बाकी सबकी जिम्मेदारी, सबकी जिम्मेदारी निभानी होगी। बाकी आने वाले दिनों में फेरी वालों के साथ या किसी भी गरीब मजदूर के साथ कोई अन्याय ना हो। इस चर्चा में शामिल होने के लिए मैं जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, जयप्रकाश जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, राजकुमार तिवारी जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में जिस तरह से फेरी वाले गरीब लोगों के ऊपर हमेशा कहीं ना कहीं से हमला होता है, उनको भूमिपुत्र आकर ये समझाने की कोशिश करते हैं कि आप हमारे हक से खेल रहे हो, लेकिन संविधान ने जिस तरह से हक दिया है हर किसी को कि आप हिंदुस्तान में कहीं भी रह सकते हैं, धंधा कर सकते हैं, लेकिन जिस तरह से लगातार इस पर राजनीति होती है वो बंद होनी चाहिए। और फेरी वालों को ये विश्वास दिलाना चाहिए हर पार्टी की तरफ से, सरकार की तरफ से, कि आप डरिए नहीं, लड़िए और हम आपके साथ हैं। आज के इस चर्चा में इतना ही, लेकिन आप लगातार बने रहिए लेमन न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए पूरी टीम के साथ इजाज़त, नमस्कार।